वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपना माइक्रोवेव किस तरीके से क्लीन करती हूँ। और हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी होगा आप में से, बट मैं कैसे करती हूँ एक बार मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई कोई वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो ये है मेरे माइक्रोवेव की कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। मैंने पता नहीं कितने टाइम से इसको क्लीन नहीं करा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। अब इसके लिए मैं जो माइक्रोवेव सेव बाउल है, ये जिसमें हम चीज़ें गर्म करते हैं, इसमें मैं वाटर के साथ ऐड कर रही हूँ आधा लेमन, और इसके बाद हम इसको माइक्रोवेव में चला देंगे। अब हमने माइक्रोवेव क्लोज़ करके स्टीम क्लीन बटन प्रेस करना है, जो ऑटोमेटिकली 15 मिनट्स के लिए ही होता है। तो 15 मिनट्स के लिए ये माइक्रोवेव रन करता है, उसके बाद पूरा माइक्रोवेव अंदर से स्टीम से कवर हो जाता है। उसके बाद इमिजिएटली आपने एक सॉफ्ट क्लोथ लेना है, डैम्प क्लोथ ले सकते हैं या फिर नॉर्मल ड्राई भी ले सकते हैं, और अच्छे से उस आप एक बार ही वाइप करेंगे तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बिकॉज हमने इसमें जो लेमन ऐड किया है उससे सारी जो भी स्टिकीनेस ग्रीसीनेस है माइक्रोवेव के अंदर वो इजीली निकल जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। मैंने बहुत टाइम से नहीं किया था इसलिए मुझे काफ़ी, मैंने दो बार ही इसको करा, बट देखिए बहुत ज़्यादा ही गंदा था, बट इतनी ज़्यादा उसके अंदर वेपर्स इकट्ठी हो जाती हैं तो ये बहुत ईजीली क्लीन हो जाता है। सी, इसको करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे ही वो स्टीम क्लीन ओवर हो जाए तो इमिजिएटली उसको क्लीन करना है, बिकॉज अदरवाइज वो क्लीन नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो सारी स्टीम जो है वो फिनिश हो जाएगी। और इसके बाद जो नीचे इसकी प्लेट होती है उसको भी निकाल के अच्छे से, उसका जो रिंग होता है वो भी सब रिमूव करके अच्छे से क्लीन करना है। बहुत ही सॉफ्ट क्लोथ लेना है, हमने कोई भी कॉटन का, मैंने चार्विक की पुरानी टी शर्ट ली है क्योंकि अदरवाइज स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं, इसलिए बहुत सॉफ्ट क्लोथ लेना है और बहुत ज़्यादा हमें रब नहीं करना पड़ेगा। और कहीं पे अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा गंदा है तो एक टूथब्रश की हेल्प से कर सकते हैं, जैसे अपर पार्ट पे जहाँ पे कन्वेक्शन मोड के लिए रॉड्स होती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गंदा था, बिकॉज कभी यूज़ नहीं करा मैंने और ये काफ़ी पहले का है मतलब, तो वहाँ के लिए मैंने टूथब्रश और सर्फ की हेल्प ली थी, थोड़ा सा वही लेमन वाटर था उसी में हल्का सा बिल्कुल डाल लिया था, वैसे लेमन वाटर से ही क्लीन करा था। तो इसी ये कितना आराम से बिल्कुल इतना गंदा हो रहा है, ये बहुत इजीली क्लीन हो रहा है। तो मतलब मैंने बहुत टाइम बाद किया है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, वंस इन अ मंथ तो कर ही लेना चाहिए। एक्चुअली मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, आई डोंट लाइक यूजिंग माइक्रोवेव मच, सो ये मेरा हाथ नहीं है। आप कहीं सोचें कि इसमें इतने मतलब हाथों में इतने बाल और इतना मैनली सा हैंड है, ये मेरे हस्बैंड का हैंड है। एक्चुअली मैं वीडियो बना रही थी तो इसलिए वो क्लीन कर रहे, तो मैंने ये प्रोसेस को दो बार ही रिपीट किया था। सो दिस इज़ माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर एंड कॉमेंट ऑल्सो, बाय बाय।